इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी पानी पूरी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आलू और जो वाइट मटर होता है उसे हमने नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटे हुए धनिया के पत्ते, स्वाद के अनुसार नमक, ये हमने सादा नमक डाला। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, फिर हम आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला, फिर लाल मिर्च पाउडर, फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसका पानी तैयार करेंगे। पानी के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल लिया है, इसमें हमने 1 ग्लास पानी लिया है, ये नॉर्मल पानी है। अब हम इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और कुछ धनिया के पत्ते कटे हुए, फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के अनुसार, भुने हुए जीरे का पाउडर आधा छोटा चम्मच, सादा नमक टेस्ट के अनुसार, और फिर हम इसमें काला नमक डालेंगे। एक छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच आमचूर पाउडर, अब हमने यहाँ पे नींबू लिया है 1, इसका रस हम निचोड़ कर इसमें डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा पानी भी रेडी है। ये हमने फुचका पहले ही बना के रखा था, इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसमें छेद करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर स्टफिंग को भरेंगे। इसी तरीके से हम सबको भर लेंगे। ये देखिए हमने फुचके में स्टफिंग को भर लिया है, यहाँ पे हमने पानी लिया है, फुचके में पानी भरिए और इसे खाइए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर जैसे फुचके की तरह आएगा। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से गोलगप्पे को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको कम टाइम भी लगेगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।